अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ रेसिपी चिकन कढ़ाई की। तो ये बड़ी सी झटपट सी बनने वाली रेसिपी है, तो आप लोग जब भी घर में कोई मेहमान आ जाए तो जल्दी से जो बनने वाली रेसिपी है वो चिकन कढ़ाई है। तो जैसे मैं बनाती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी कि कैसे बनाती हूँ, और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो चलिए आए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए मैं ले लेना है ऑयल, उसमें डालना है प्याज और साथ ही अदरक लहसुन डाल देनी है, और उसे अच्छी तरह थोड़ी देर के लिए सॉटे करना है। और फिर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको येलो नहीं करना। और फिर साथ ही मैंने ये चिकन धो के रखा हुआ था सिरके के साथ, क्योंकि सिरके के साथ उसकी स्मेल काफ़ी ख़त्म हो जाती है। तो उसके साथ ही फिर मैं डाल दूँगी चिकन ही साथ साथ ही चिकन डाल दूँगी, ठीक है। चिकन डालते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि आँच जो है वो हाई पे होनी चाहिए। डालते हुए हम आँच हाई पे रखेंगे और फिर उसके बाद मीडियम टू हाई पे इसको कुक करेंगे, ठीक है। और अभी चलें अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। और फिर मिक्स करने के बाद साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, ये मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे। टमाटर डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और आप लोगों ने, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप लोगों ने कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और फिर साथ ही मैंने क्या किया कि 1/2 टी स्पून हल्दी डाल दी, 1 टी स्पून सूखा धनिया डाल दिया, और 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट भी डाला है। और फिर इसके साथ मैं डाल दूंगी 2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर के, और साथ ही मैं डाल दूंगी पेपरिका, या फिर इसे आप देगी मिर्च भी कह सकते हैं। ये सिर्फ कलर लाने के लिए मैं डालूंगी। ये सब चीज़ें डालने के बाद आपने अगेन इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और साथ ही मैं ये लौंग डालना भूल गई थी, तो मैं अभी इन 2-3 लौंग डालने लगी हूँ। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह से इसको कुक करना है। थोड़ी देर हम लोग इसे ढक्कन से पकाएंगे ताकि जो चिकन और टमाटर और प्याज जो जितना भी है वो सब अपने पानी छोड़ेंगे, तो अच्छी तरह से जो चिकन है उसमें अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो अभी मैं इसको ढक्कन बंद करके पकाती हूँ। अभी मैंने ढक्कन खोल के चेक किया है तो अभी इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा है, और मैंने ये जूलियन कट में कट की थी जिंजर, तो इसको भी मैं साथ ही डाल देती हूँ। अब जी हमारा चिकन जो है वो पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, और जो बाकी है अब मैं ढकना उतार के इसको अच्छी तरह से इसको पानी ड्राई करूँगी ताकि जो पानी है ना वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए बोटियों से, तो ताकि अच्छा सा एक मसाला बन जाए बोटियों के साथ। अच्छा जी, ये इसकी फाइनल लुक है, माशाल्लाह से देखिए कितना मज़े का लग रहा है। अगर आप लोग भी इस तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, और आप मेहमानों के आगे पेश करेंगे तो बहुत ही सब देखना आप लोगों की तारीफ करेंगे, ठीक है। और अभी डिश आउट करते हैं, तो मुझे तो खुशबू से अभी भी मुझे देख के बहुत, हम लोगों ने जब खाया था तो बहुत मज़े का था माशाल्लाह। तो आप लोगों ने ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है और मुझे बतानी है कि आप लोग कैसे बनाते हैं। तो मैं तो अगर ये जल्दी में बनानी हो तो मेरे लिए ये बेस्ट है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ चिकन कढ़ाई। हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है, लेकिन ये मेरा तरीका है बनाने का, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने कॉमेंट सेक्शन में बताना है, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।